कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या बच्चों की हर एक बात पर यकीन करना ठीक है? आज की हमारी ये मूवी एक ऐसे टीचर पर आधारित है जिसकी जिंदगी एक 3 साल की बच्ची की वजह से बर्बाद हो गई। मूवी की शुरुआत में हम लूकस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। लूकस किंडरगार्टन में जॉब करता है, बच्चे भी उसे काफी पसंद करते हैं। उसका अपनी बीवी से तलाक हो चुका है और उसका एक बेटा है मार्कस, जिसकी कस्टडी पाने के लिए उसने वाइफ पर केस भी किया है। उसके बाद हम 3 साल की क्लारा को देखते हैं जो लूकस के बेस्ट फ्रेंड थियो की बेटी है। वो घर का रास्ता भूल गई थी, उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुँची, इसीलिए लूकस उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। थियो अपनी बेटी को बिना बताए घर से जाने के लिए डांटता है। उसके बाद वो लूकस के साथ बात करता है और उससे पूछता है कि उसकी एक्स वाइफ और उसके बेटे के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। लूकस कहता है कि सब ठीक है, लेकिन थियो उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपका रहा था, जिसका मतलब है कि वो झूठ कह रहा है। थियो उससे उसकी एक्स वाइफ को फोन करने को कहता है और जब लूकस अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है तो उसकी वाइफ उसे फोन करने से मना करती है। अगले सीन में हम क्लारा के भाई को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जो क्लारा को टैब में गंदे गंदे फोटोज दिखाने लगता है। इस पर उसका भाई अपने दोस्त को अपने रूम में ले गया। वो सब देख क्लारा थोड़ी अपसेट हो जाती है। अगले दिन लूकस ने फिर से क्लारा को घर के बाहर बैठा हुआ देखा। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, जिस वजह से लूकस उसे अपने साथ नर्सरी ले आया। क्लारा ने एक हार्ट बनाया था जिसे वो एक एनवेलप में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ लूकस बच्चों के साथ खेल रहा होता है। क्लारा उन्हें देखकर काफी खुश हो रही थी और फिर वो अचानक से लूकस के लिप्स पर किस करने लगी। लूकस को ये थोड़ा अजीब लगा। वो उसके पास आता है और कहता है कि उसे उसकी कोट की जेब में एक तोहफा मिला जो कि वही हार्ट वाला एनवेलप था। वो इस तोहफे को किसी दूसरे बच्चे को देने के लिए कहता है जो कि उसी की उम्र का हो। क्लारा साफ मना कर देती है कि ये तोहफा उसका नहीं है, शायद किसी ने लूकस को परेशान करने के लिए उसकी जेब में रखा होगा। जिसके बाद लूकस उसे समझाता है कि लिप किस केवल अपने पेरेंट्स को किया जाता है, ना कि किसी बाहरी इंसान को। क्लारा बार बार यही कहती है कि वो गिफ्ट उसका नहीं है और लूकस झूठ कह रहा है और फिर वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त नर्सरी बंद करने का टाइम था। क्लारा अंधेरे में अकेले बैठी थी और वहाँ की हेड उसे बताती है कि उसकी माँ उसे लेने आती ही होगी। हेड को क्लारा थोड़ी परेशान दिख रही थी और फिर क्लारा कहती है कि वो लूकस से नफरत करती है। हेड कहती है कि उसे लगा कि लूकस उसका दोस्त है। क्लारा कहती है कि वो उसका दोस्त नहीं है और तब वो कुछ ऐसा बोलती है जिससे ये लगता है कि शायद लूकस ने उसके साथ कुछ गलत काम किया है। क्लारा कहती है कि लूकस के पास विली है। हेड कहती है कि वो सारे आदमियों के पास होती है। क्लारा कहती है लेकिन लूकस की काफी पॉइंटेड है। ये सुनकर हेड शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि लूकस ने क्लारा के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन ये सब क्लारा उस वीडियो की वजह से कह रही थी जो उसके भाई के दोस्त ने उसे दिखाया था। क्लारा कहती है कि लूकस ने उसे ये हार्ट दिया जो खुद क्लारा ने लूकस के लिए बनाया था, जिसे लूकस ने एक्सेप्ट नहीं किया। जाहिर है कि क्लारा लूकस की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और फिर क्लारा अपनी मॉम के साथ घर चली जाती है। उसके बाद लूकस को उसकी एक्स वाइफ से पता चलता है कि मार्कस लूकस के साथ रहना चाहता है और शायद वो क्रिसमस के बाद हमेशा के लिए उसके पास आ जाए। ये सुनकर लूकस काफी खुश हो जाता है और वहाँ काम करने वाली नादिया को बताता है कि उसका बेटा उसके पास आने वाला है। नादिया जो उसी नर्सरी में जॉब करती है और वो लूकस को पसंद करती थी। उसके बाद वो उसे कॉफी के लिए पूछती है। उधर हेड के दिमाग में अभी तक क्लारा की बातें घूम रही थी। नादिया लूकस से कहती है कि वो लूकस से फिर से मिलना चाहेगी। लूकस भी कहता है कि वो नादिया से दोबारा मिलना चाहता है। उसके बाद हम लूकस को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं और फिर वो अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी करता है, जहाँ थियो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और लूकस उसे घर तक छोड़ने आता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है वहाँ नादिया पहले से मौजूद थी। उसके बाद लूकस अपने डॉग फैनी के साथ खेलने लगा और फिर नादिया और लूकस इंटीमेट होते हैं, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन जब लूकस नर्सरी आता है वहाँ की हेड उसे अपने ऑफिस बुलाती है और उसे बताती है कि किसी बच्चे ने उस पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स उस बच्चे को दिखाए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये उस बच्चे की खुद की एक इमेजिनेशन हो। ये सुनकर लूकस काफी शॉक्ड हो जाता है और वो उस बच्चे का नाम जानना चाहता था। हेड उस बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं करती और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो बता देती कि ये सब क्लारा ने उससे कहा है
तो शायद लूकस के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ होता। हेड उसे कुछ दिन का ऑफ लेने को कहती है और कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लेंगे। लूकस काफी अपसेट हो जाता है और फिर हेड अपने जान पहचान के एक आदमी को क्लारा से बात करवाने के लिए लाती है। लेकिन जब वो आदमी क्लारा से लूकस के बारे में पूछता है, क्लारा काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। पहले तो वो बोलती है कि लूकस ने उसके साथ कुछ नहीं किया और उसने हेड से कुछ नहीं बताया। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने ये सारी बातें अपने आप बनाई हैं या हेड झूठ बोल रही है, जिस पर हेड उससे वो सब बताने को कहती है जो उसने पहले उसे बताया था। और यहाँ एक 3 साल की बच्ची उन सारी बातों का जवाब हाँ में देती है जो वो आदमी उससे पूछ रहा था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी जबरदस्ती क्लारा से वो सब बातें कहलवा रहा था जो उसके साथ हुई ही नहीं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि लूकस ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, वो इस नर्सरी में पढ़ाने लायक नहीं है। और अब ये एक पुलिस केस था और उन्हें इस बारे में बच्चों के पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए। और उसके बाद हेड लूकस और क्लारा के बारे में क्लारा की मॉम से बात करती है और ये सब सुनकर क्लारा की मॉम काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लूकस उसके पति का बचपन का दोस्त था। यहाँ हेड उसे वो सारी चीजें इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि लूकस ही दोषी दिखाई देता है, क्योंकि उसके हिसाब से बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो भगवान का रूप होते हैं और शायद क्लारा शर्म की वजह से उससे कभी इस बारे में खुलकर बात ना कर पाए। उसके बाद वो बाकी पेरेंट्स को भी इस बारे में बता देती है और कहती है कि उन्हें पता करना चाहिए कि उनके बच्चों को रात में बुरे बुरे सपने तो नहीं आते या फिर उन्हें अपने बच्चों में किसी तरह का कोई बदलाव दिख रहा हो। उधर लूकस को उसके बेटे मार्कस का फोन आता है और वो बताता है कि उसकी मॉम उसे लूकस से बात नहीं करने देती और उन्हें नर्सरी वाले इंसिडेंट के बारे में भी पता लग गया है। हेड ने लूकस की एक्स वाइफ को फोन करके सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर लूकस अगले दिन फिर नर्सरी जाता है जहाँ कुछ पेरेंट्स हेड के साथ ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। लूकस को देखते ही हेड वहाँ से भागने लगती है। लूकस उनका पीछा करता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। हेड यहाँ पर क्लारा का नाम लेकर कहती है कि उसे क्लारा पर यकीन है। ये सुनकर लूकस समझ जाता है कि ये सारी बातें क्लारा की बनाई हुई हैं। वो हेड से उसके बेटे मार्कस से दूर रहने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो थियो के घर पर आता है और उसे क्लारा के बारे में बात करता है। थियो काफी अपसेट था। वो कहता है कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोलती। लूकस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्लारा को टच तक नहीं किया। तब तक थियो की वाइफ भी वहाँ आ चुकी थी और लूकस को उनके घर से जाने को कहती है। उसके बाद थियो उसे उसकी बेटी से दूर रहने को कहता है। लूकस के जाने के बाद क्लारा अपनी मॉम से कहती है कि लूकस ने कुछ नहीं किया और उसने कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से सारे बच्चे उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उसकी मॉम को लगता है कि शायद क्लारा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे याद नहीं रखना चाहती, लेकिन वो उसे विश्वास दिलाती है कि उसके साथ वास्तव में कुछ गलत हुआ है और उन्हें खुशी है कि क्लारा ने उन्हें इन सब के बारे में बताया। उधर नर्सरी में बाकी स्टाफ नादिया को भी लूकस के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे कि लूकस के खिलाफ कई पेरेंट्स ने कंप्लेंट की है कि उनके बच्चों के साथ भी लूकस ने गलत हरकत की थी। अगले सीन में हम क्लारा को लूकस के घर पर देखते हैं। क्लारा कहती है कि वो उसके डॉग को बाहर घुमाना चाहती है। लूकस उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम यहाँ हो। क्लारा कहती है नहीं। लूकस उसे घर जाने को कहता है। क्लारा कहती है कि उसकी मॉम कहती है कि लूकस ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। लूकस पूछता है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है। क्लारा कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। क्लारा के जाने के बाद नादिया और लूकस के बीच भी आर्ग्यू होने लगे। जब नादिया उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में क्लारा के साथ कुछ गलत किया है, ये सुनने के बाद लूकस उसे घर से निकाल देता है। क्लारा का भाई क्लारा के साथ क्रिसमस की तैयारी कर रहा था और उसे ये सोच कर दुख हो रहा था कि उसकी 3 साल की बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्कस लूकस के पास आ गया है अपनी मॉम को बिना बताए। लूकस उसके आने से खुश है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपनी मॉम को फोन करके उसके यहाँ होने की खबर दे। लूकस उसे बताता है कि अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं है और पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है। उसके बाद वहाँ लूकस का दोस्त डियागो आता है और वो सब बातें करने लगते हैं। डियागो कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी सब तुम्हारे अगेंस्ट है। अगले सीन में हम मार्कस को ग्रोसरी शॉप में देखते हैं। वहाँ का ओनर उससे कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे पापा का यहाँ आना मना है, वो इस जगह से शॉपिंग नहीं कर सकते। उधर पुलिस लूकस को अरेस्ट कर लेती है। लूकस मार्कस से अपनी मॉम के पास जाने को कहता है, लेकिन मार्कस थियो के घर आ गया जहाँ वो क्लारा से बात करता है और उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला उसके पापा के बारे में। ये सब सुनकर थियो और उसके दोस्त उसे घर से निकालने लगते हैं। मार्कस क्लारा के मुंह पर थूक देता है और उसे गाली देता है।
जिस पर वहाँ मौजूद एक आदमी उसे बहुत मारता है। थियो उस आदमी को रोकता है और मार्कस को वहाँ से जाने को कहता है। मार्कस डियागो के घर आता है। डियागो बताता है कि कल उसके पापा की सुनवाई है और हो सकता है कि कल उसके पापा छूट जाएं। उनके पास लुकस के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि लुकस के घर की जो डिटेल्स बच्चों ने बताई है वैसी कोई भी चीज लुकस के घर पर मौजूद नहीं थी और ये सब लुकस के फेवर में जाएगा। अगले दिन डियागो मार्कस को उठाता है और बताता है कि उसके पापा को छोड़ दिया गया है और उसके पापा किसी भी समय यहाँ आने वाले हैं। लुकस जब वहाँ आता है मार्कस उसे जोर से गले लगा लेता है। मार्कस और लुकस अपने घर आ जाते हैं। लुकस अपने डॉग को बाहर भेजता है। मार्कस और लुकस आपस में बातें करने लगते हैं। तभी कोई उनके घर में बड़ा सा पत्थर फेंकता है। लुकस बाहर आकर चेक करता है तो किसी ने उसके डॉग को मारकर एक बोरे में डाल दिया था। ये देख मार्कस रोने लगा। लुकस मार्कस को उसके मॉम के पास भेज देता है और अपने डॉग को दफना देता है। अगले दिन जब लुकस ग्रोसरी स्टोर जाता है वहाँ का स्टाफ उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और उसे मारपीट करने लगता है। वो लोग लुकस को उठाकर स्टोर के बाहर फेंक देते हैं। लुकस वापस अंदर आता है और अपना सामान मांगता है और उस आदमी की नाक तोड़ देता है जिस आदमी ने उसे मारा था और फिर वो वहाँ से अपना सामान लेकर चला जाता है। थियो और उसकी वाइफ दूर से उसे उस हालत में देख रहे थे। थियो उससे बात करने के लिए कार से उतरने लगता है लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है। क्रिसमस ईव वाले दिन लुकस अच्छे से तैयार होकर चर्च जाता है जहाँ थियो भी मौजूद था। लुकस थियो की आंखों में देखता है क्योंकि थियो उसकी आंखें देखकर जान सकता है कि वो कब झूठ बोल रहा है और कब नहीं। और इस बार जब वो लुकस की आंखों में देखता है उसे फील हो जाता है कि लुकस ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि एक बार थियो ने लुकस की आंखों में झांक कर कहा था कि अगर वो अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाता है तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बार लुकस बिना पलकें झपकाए थियो को देखे जा रहा था, अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था। लुकस थियो के पास आता है और पूछता है, मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है? थियो कुछ भी नहीं कहता। लुकस वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद थियो काफी बेचैन था। वो अपनी बेटी के पास आया जहाँ उसकी बेटी बार बार लुकस का नाम ले रही थी। जब वो नींद से जागती है वो थियो को बताती है कि लुकस ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। थियो समझ जाता है कि लुकस निर्दोष है। फिर वो कुछ खाना पैक करता है। उसकी वाइफ उसे देख लेती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। थियो उसे कहता है कि वो लुकस के पास जा रहा है। उसके बाद वो लुकस के पास आता है और पूरी रात उसी के साथ रहता है। एक साल बाद हम देखते हैं कि लुकस और वहाँ के लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। नादिया और मार्कस अब उसके साथ ही रहते हैं। डियागो के घर में एक फंक्शन में मार्कस को अपनी पहली राइफल मिलती है। वहाँ थियो का बेटा लुकस को काफी घूर रहा था। बाद में सब शिकार करने जाते हैं। जब लुकस अकेला होता है तब एक गोली उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है। वो मुड़ता है लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता। वो आदमी फिर से अपनी राइफल लोड करता है और भागने से पहले एक पल के लिए लुकस को देखता है। ऐसा नहीं लगता कि उसका इरादा लुकस को मारने का था। वो बस उसे चेतावनी देना चाहता था। शायद कुछ लोग शहर में उसके साथ असुरक्षित महसूस करते रहेंगे और चाहेंगे कि वो यहाँ से चला जाए। ऐसा हो सकता है कि शूटर थियो का बेटा यानी कार्ला का बड़ा भाई हो। इस मूवी के अंत ने ये साबित कर दिया कि लुकस अभी भी समाज की नजर में दोषी था। अदालत ने भले ही उसे बरी कर दिया हो लेकिन समाज के कटघरे में वो हमेशा खड़ा रहेगा। वो आखिरी शॉट इस बात का संकेत था कि लोग उसके जीवन को और अधिक कठिन बना देंगे और उसे जल्द से जल्द ये शहर छोड़ देना चाहिए। आपको आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।